हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा बॉडी पॉलिशर बताने लगी हूँ कि आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और बॉडी पे कहीं भी कर सकते हैं। आज मैं अपने आर्म्स पे करके आपको दिखाऊंगी। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इसमें 1 टेबलस्पून मैंने मिल्क लिया है और 3-4 आप ग्रेप्स ले सकते हैं, अनार के कुछ दाने ले सकते हैं, टोमेटो है हाफ इसको काट लें, और थोड़ा सा हल्दी है, और ये लेमन मैंने अपने प्लांट्स है थोड़े से, ये बेबी भी लेमन्स हैं, आप एक लेमन यूज़ कर सकते हैं, मैंने क्योंकि ये छोटे थे तो इसलिए मैंने इनको दो लिए हैं, दो कटे। अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये 1 टेबलस्पून दूध में हम पहले ग्रेप्स का जूस निकालेंगे, इस तरह से ऐड करेंगे। इसमें अनार का जूस निकालेंगे ऐसे ही, आप एक लेमन ही लीजिएगा क्योंकि मेरे लेमन छोटे थे इसलिए मैंने दो लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। जो कि बहुत ज्यादा थिक भी नहीं हो और बहुत लिक्विड हो, अच्छा से पेस्ट बनाना है। अगर जैसे ही सर्दियों का मौसम स्टार्ट हुआ है तो स्किन बहुत ही ड्राई होना शुरू हो जाती है और बहुत ही मुरझाई हुई और कंप्लेक्शन भी डल डल सा लगता है, ड्राइनेस आ जाती है, रफ हो जाती है। फिर भी आप करके देखें, आपको बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। अब हम इसको अप्लाई करेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हैंड से भी कर सकते हैं। इसको हैंड से कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए ये ईजी है। ये इंस्टेंट ग्लो देती है, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, और सबसे बड़ी बात इसका कोई नुकसान नहीं है, आपको किसी किस्म की से एलर्जी या कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अब हम इसको सूखने देंगे जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। ओके, अभी 10 मिनट हो गए हैं तो ये सूख चुका है ऑलमोस्ट। अब हम क्या करेंगे कि ये हाफ टोमेटो हमने लिए है काट के, ये हल्दी हम इसको यूं लगाएंगे और ऐसे हमने मसाज करना है। आप इसको नेक पे अप्लाई कर सकते हैं, समटाइम नेक डार्क हो जाती है, फेस पे भी कर सकते हैं, बॉडी पे कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं।
अच्छे से हमने इसको मसाज कर लिया और टमाटर जो है हमारा इस कंडीशन तक पहुंच गया। बहुत अच्छे से मसाज करना है। अब हम इसको साफ कर लेंगे। मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। स्किन आपके बहुत ही सॉफ्ट